मैंने अपना पहला नामांकन 1989 नवंबर में सांसद पद के लिए भरा। उसके बाद में लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुनी गई। ये मेरा 10वां नामांकन है। 1998 में मैं झालावाड़ के आशीर्वाद से केंद्र में विदेश मंत्री बनी। उसके बाद सरकार ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री बनाया। 2003 और 2013 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ और जनता के विश्वास के साथ मैं प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जब जब मैंने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा, झालावाड़ वासियों ने मुझसे एक ही बात कही, आपका काम सिर्फ नामांकन भरने का है, बाकी काम हमारा है, हम देख लेंगे। आप सिर्फ अपना काम करो, क्योंकि चुनाव आप नहीं हम लड़ रहे हैं। झालावाड़ लड़ रहा है, झालावाड़ की जनता लड़ रही है चुनाव। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में नामांकन सभा के दौरान ये सारी बातें कही, लेकिन राजे ने अपनी सभा में कुछ ऐसा भी कहा जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी। बता दे, वसुंधरा राजे ने सभा में कहा, मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। उन्होंने झालावाड़ 12 से सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के भाषण की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को बहुत कुछ सिखा दिया है, कभी प्यार से तो कभी आंख दिखाकर। आप लोगों ने उसे ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुझे उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम मैं करना चाहती थी वो काम आप लोगों ने कर दिया, और आप ही लोगों के विश्वास ने दुष्यंत सिंह को लगातार 4 बार सांसद बनाया है। आगे वसुंधरा ने कहा, हम झालावाड़ को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक समय ऐसा था जब हम लोग पढ़ाई करने के लिए, इलाज करवाने के लिए कोटा जयपुर भागते थे, लेकिन आज परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है। आज झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज है, कैंसर अस्पताल है। झालावाड़ राजस्थान में लगातार अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और ये जो विकास हुआ है ये आज उसी संघर्ष का नतीजा है। आज झालावाड़ देश की पहचान बन गया है, ये सब झालावाड़ वासियों का ही चमत्कार है। अधिकांश प्रत्याशी नामांकन भरने से लेकर चुनाव परिणाम आने तक अपना रण क्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जाते, अपने क्षेत्र में ही डटे रहते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कभी भी पूरे समय झालावाड़ में रुकने की आवश्यकता नहीं हुई। कभी सुख तो कभी दुख, दोनों चीजों का मुझे सामना करना पड़ा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन झालावाड़ वासियों ने जीवन के हर लम्हे में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर होने का संकेत देकर सियासी गलियारों में नई चर्चाएं छोड़ दी है। वसुंधरा राजे ने पहली बार अपनी नामांकन सभा में साफ तौर पर रिटायर होने का संकेत दिया। इसी बयान के साथ उन्होंने झालावाड़ 12 से सांसद बेटे दुष्यंत सिंह के भाषण की तारीफ करते हुए उन्हें सियासी विरासत संभालने का भी साफ संकेत दिया। बीजेपी में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है उसे देखते हुए इसे बड़े बयान के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।